शिक्षण कौशल पढ़ रहे हैं, तो हमने कहा कि शिक्षण कौशल के प्रयोग के द्वारा हम अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं। तब यहां पे क्वेश्चंस मस्तिष्क में आती है कि शिक्षक प्रकरण पढ़ाना है, क्लासरूम में जाना है पढ़ाने के लिए, तो पहला ऐसा कौन सा काम करेगा? थिंक, यहां पे शिक्षक को यह सोचना है कि हम अधिगमकर्ताओं के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है, तो उसके लिए एक शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के समय शाब्दिक और अशाब्दिक, वर्बल एंड नॉन वर्बल, शिक्षण सहायक सामग्री और विभिन्न प्रकार के तकनीकों का ज्ञान अर्जित करने से है, उस पे दक्षता प्राप्त करने से है, जिसके आधार पर हम अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं। तो एक शिक्षक को सर्वप्रथम यह चाहिए कि अपने पूर्व अनुभवों के द्वारा या बालक के पूर्व ज्ञान जो अर्जित है उसका सर्वप्रथम ध्यान रखना है। तो ये बातें संबंधित है प्रस्तावना कौशल से। तो सबसे पहली बात है क्या कि टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन स्किल। हमने कहा पहला जो बात करेंगे हम क्या है, इंट्रोडक्शन या सेट इंडक्शन भी कहा जाता है, प्रस्तावना कौशल, प्रस्तावना कौशल। तो इस प्रस्तावना कौशल में हमने अभी कहा कि एक शिक्षक को विभिन्न प्रकार के तकनीकों, शिक्षण सहायक सामग्री पर दक्षता प्राप्त करना होगा, क्योंकि उसी के माध्यम से बालक के पूर्व अनुभवों को, पूर्व ज्ञानों को क्या करना है, नई ज्ञान से जुड़ना है। तो सारे विभिन्न प्रकार के कौशल जिसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होगा वो है कंपोनेंट, कंपोनेंट्स घटक, और यही घटक को ही हमें ध्यान में रखकर शिक्षण कौशल का प्रयोग करना है। तो अब प्रस्तावना कौशल में देखना है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ इंट्रोडक्शन स्किल, प्रस्तावना कौशल के घटक, प्रस्तावना कौशल के घटक। अब ये पहली बात जो हम लोग देखेंगे, पहला घटक वो क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस एंड प्रैक्टिसेस। कहा गया पूर्व अनुभवों और प्रयासों का उचित प्रयोग। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे, पूर्व अनुभवों और प्रयासों का उचित प्रयोग, क्योंकि टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन,
ये प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। तो हम लोगों को ज्ञान जरूरी है, जो कंटेंट हम पढ़ाने जा रहे हैं तो हमें पूर्व अनुभव जरूरी है। लेकिन अब यहां पे बात होती है कि बच्चा जानता है या नहीं जानता है। बच्चा जानता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन विच ऑलरेडी प्रेजेंट इन चाइल्ड और मैन। कि आप जो अंतर्निहित शक्ति का विकास करना चाहते हैं बालक में पहले से है, आपको केवल अपॉर्चुनिटीज, अवसर, फैसिलिटीज, सुविधाएं प्रदान करना है। जिस प्रकार से एक शिक्षक अपनी ज्ञान रूपी दीपक को ग्रहण करने के बाद दूसरे को क्या करता है, प्रज्वलित करता है, तो उसी प्रकार से शिक्षक का यहां पूर्व अनुभव का होना बहुत जरूरी है। शिक्षक अपनी पूर्व अनुभवों का प्रयोग करके शिक्षक अपने पूर्व अनुभवों और प्रयासों का प्रयोग करके प्रकरण को पढ़ाता है। यहां पे बात जो आ रही है पूर्व अनुभवों और प्रयासों, कहने का तात्पर्य क्या है, यहां पे हमको पूर्व ज्ञान की बात हो रहा है, प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज से जोड़ना है क्या, न्यू नॉलेज को, न्यू नॉलेज, नई ज्ञान। कह रहे थे कि प्रस्तावना कौशल में सबसे बड़ी बात है कि पूर्व ज्ञान से नई ज्ञान को जोड़ना है। अब ये पूर्व ज्ञान यहां पे जैसे प्रश्न है, आप लोग प्रतिदिन अपने टीथ को, दांत को साफ क्यों करते हैं, सवाल है। तो बच्चे जवाब देंगे, सर जर्म्स हो जाते हैं। अब ये दूसरा सवाल यहीं पे होगा, और दूसरी बात पूर्व ज्ञान से नई ज्ञान को जोड़ना है, और ये भी प्रस्तावना कौशल में ध्यान रहा है कि एक प्रश्न जो हमारा है दूसरे से संबंधित हो। तो अभी हमने कहा कि बच्चों प्रतिदिन दांत साफ क्यों करते हैं, तो बच्चे से जवाब आया कि सर जर्म्स हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन होगा, क्या हम लोग जर्म को आसानी से देख सकते हैं, या इसका अप्रोप्रिएट होगा जर्म को जो दांत में है, टीथ में, जर्म को देखने के लिए कैसे देख पाएंगे, तो माइक्रोस्कोप से देख पाएंगे, क्लियर है। अब माइक्रोस्कोप, ये सारे सवाल इस तरह से करना होगा कि बच्चे पहले से वो जानता हो। हमने कहा कि पूर्व ज्ञान से नई ज्ञान को जोड़ना है, ये सवाल करना। यहां पे हम लोगों को क्या करना होगा, फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट, कहने का मतलब कि भौतिक और सामाजिक वातावरण, ये जो है यहां इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है, तब हम पूर्व अनुभवों का, प्रयासों का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात कि जो कहा गया कि पूर्व अनुभवों, जैसे मान के चलिए आपने लास्ट क्लास में जो पढ़ाया है और अभी प्रेजेंट क्लास की बात हो रही है, ये दोनों में आपको क्या करना होगा, संबंध स्थापित करना होगा। तो हमने कहा कि सबसे पहला जो घटक है हमारा क्या है, इस प्रस्तावना कौशल में पहला घटक हमारा हुआ पूर्व अनुभवों और प्रयासों का उचित प्रयोग। एक शिक्षक प्रस्तावना कौशल में इस घटक में अपने पूर्व अनुभवों और प्रयासों का प्रयोग करके प्रश्न करता है और बच्चे जवाब देते हैं। दूसरा है प्रस्तावना कौशल का दूसरा घटक है यूज ऑफ अप्रोप्रिएट डिवाइसेस
एंड टेक्निक्स, समुचित, ध्यान दीजिए, समुचित प्राविधियों का प्रयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा शिक्षण कला में, शिक्षण योग्यता में बहुत प्रश्न पूछता है इससे, शिक्षण योग्यता में, और ये तो है ही सीटेट। तो यहां पे यूज ऑफ अप्रोप्रिएट डिवाइसेस एंड टेक्निक्स, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो बात ये होती है कि बीएड के एग्जामिनेशन में जब एक्सटर्नल आते हैं तो सवाल पूछते हैं कि प्रस्तावना कौशल में क्या करते हैं, तो ज्यादातर शिक्षकों को यह दिमाग में आती है कि बस एक ही टेक्निक है, कौन सा, थिंक, लेकिन हमने कहा यूज ऑफ अप्रोप्रिएट डिवाइसेस एंड टेक्निक्स, तो यहां पे ज्यादा लोग जो प्रस्तावना कौशल का प्रयोग करते हैं तो उसमें डिवाइसेस के रूप में, तकनीक के रूप में पहला जो प्रयोग करते हैं वो ये करते हैं, कोशनिंग, प्रश्न करना, प्रश्न करके, तो क्या हुआ कि प्रस्तावना कौशल में आपसे यही जानना चाहते हैं कि प्रस्तावना कौशल में क्या करते हैं, तो बोलिए कि प्रश्न करते हैं, लेकिन ये एक टेक्निक हुआ, समुचित प्रविधियों का प्रयोग, तो कोशनिंग हो गया, उसके बाद नरेशन, कथन करके, है ना, कथन, स्टोरी टेलिंग, कहानी भी कहकर कर सकते हैं आप, स्टोरी, कहानी कहना, और इसमें आगे है डिमोन्स्ट्रेटिंग, डिमोन्स्ट्रेटिंग, प्रदर्शन करके, तो ऐसा नहीं है कि प्रस्तावना कौशल में केवल प्रश्न ही करते हैं, लेकिन ज्यादातर यही लोग करते हैं, लेकिन लिटरेचर है और सारे सब्जेक्ट है उसमें हम स्टोरी टेलिंग भी कर सकते हैं या डिमोन्स्ट्रेटिंग भी, फिजिक्स में भी मिरर पढ़ा रहे हैं तो मिरर को हम डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, अरे बस में यहां पे यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग भी कर सकते हैं आप, शिक्षण सामग्री के प्रयोग करके, तो देर आर सो मेनी, इसीलिए मैंने कहा ना कि यूज ऑफ अप्रोप्रिएट डिवाइसेस, आप प्रश्न भी कर सकते हैं, कथन भी कर सकते हैं, कहानी भी कर सकते हैं, प्रदर्शन कर भी सकते हैं और शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग भी कर सकते हैं, और क्या है, अभिनय भी कर सकते हैं, अभिनय, अभिनय मतलब ड्रामेटाइजेशन, ड्रामेटाइजेशन, अब आर्ट एंड क्राफ्ट का जो होगा, आर्ट एंड क्राफ्ट या म्यूजिक का क्लास होगा तो वह ऐसा थोड़ा है कि वहां पे प्रश्न करना शुरू कर देंगे, तो वहां पे हमारा होगा प्रस्तावना कौशल में, जो दूसरी बात मैंने कहा कि समुचित प्रविधियों का प्रयोग, तो वहां पे एक्टिंग है ना, इस प्रकार से भी हम प्रस्तावना कौशल कर सकते हैं, तो देर आर सो मेनी टेक्निक्स। हेलो, मेंटेनेंस ऑफ कंटिन्यूटी, मेंटेनेंस ऑफ कंटिन्यूटी इन आइडियाज इंफॉर्मेशन, विचारों सूचनाओं में तारतम्य रखना, कहने का मतलब क्या है, तारतम्य रखना, शुद्ध हिंदी है ये, मेंटेनेंस ऑफ कंटिन्यूटी इन आइडियाज, अभी हमने कहा जो प्रश्न हमने कहा कि एक पहला प्रश्न जो आपने किया, अगेन पुनः जो दूसरा प्रश्न करेंगे, एक प्रश्न दूसरे से क्या होगा संबंधित, कहने का मतलब सभी प्रश्न एक दूसरे से संबंधित होना अनिवार्य है, नहीं तो फिर वो बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे, संबंध कोरिलेट नहीं हो पाएगा,
यहां पे कहा गया कि सभी प्रश्न एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए और क्या होना चाहिए, पूर्व ज्ञान से भी होना चाहिए, पूर्व ज्ञान से संबंधित और सार्थक भी, ये जरूरी है। अगर पहला प्रश्न दूसरा से संबंधित नहीं होगा तो वहां पे तारतम्य स्थापित नहीं होगा, ध्यान देना यहां पे। और कंटिन्यूटी का तात्पर्य यही है कि आप जो प्रश्न करें, प्रस्तावना में प्रश्न करें या कहानी कहें या प्रदर्शन डिमोन्स्ट्रेटिंग करें, तो आप स्पष्ट शब्दों में, क्या मैंने कहा, क्लैरिटी होनी चाहिए यहां पे, एक बात और है, अस्पष्ट शब्दों में उच्चारण भी करना होगा आपको, अस्पष्ट शब्दों में, फ्लुएंसी, प्रवाहशीलता भी जरूरी है, प्रवाहशीलता, फ्लुएंसी। कहने का मतलब है, हमने कहा कि प्रस्तावना में जब हम प्रश्न करें, कहानी कहें, तो हमारा प्रश्न एक दूसरे से संबंधित हो। अभी हमने कहा ना कि आप, हम लोग बच्चे प्रतिदिन बरस दांत क्यों साफ करते हैं, तब दूसरा प्रश्न हम करते हैं कि हम लोग खाना क्यों खाते हैं, तुरंत वहां से नहीं, तो हमने प्रश्न क्या किया कि प्रतिदिन दांत साफ क्यों करते हैं, तो बच्चे से जवाब आया कि सर जर्म्स हो जाते हैं, तो हमने दूसरा प्रश्न क्या किया, जर्म्स को देखने के लिए कैसे देख सकते हैं, यह हमारा एक दूसरे से प्रश्न संबंधित हो। अगला घटक रिलीवेंसी ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर, शाब्दिक और, ध्यान दीजिएगा यहां पे, अशाब्दिक व्यवहार की सार्थकता। यहां पे एक शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करते समय शब्दों के द्वारा, प्रश्न जैसे हमने पूछा, शब्द का प्रयोग होगा, इशारा भी, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करते समय शाब्दिक और अशाब्दिक क्रियाओं के द्वारा, व्यवहारों के द्वारा अधिगमकर्ता में वांछित परिवर्तन करता है। अब इसका उद्देश्य क्या होता है, सबसे पहली बात होती है कि आखिर शाब्दिक और अशाब्दिक क्यों करता है, तो सबसे पहले पूर्व अनुभवों को जानने के लिए, प्रयासों को परिमार्जित करने, और जो सबसे बड़ी बात है कि शाब्दिक और अशाब्दिक, तो वर्बल तो कुछ प्रश्न करने के बाद, लेकिन जो दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि चिल्ड्रंस कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव बोथ, हमने कहा इसके संज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव और दूसरा भावात्मक, ये दोनों पक्षों को हम शाब्दिक और अशाब्दिक व्यवहारों के द्वारा हम जान सकते हैं, ये जरूरी है। और जब ये हमारा प्रयास हो गया, इस सारे घटकों को हमने प्रयोग किया, तो इसके बाद आता है क्या, जो प्रकरण हम पढ़ाने वाले हैं, तो वो क्या आएगा, स्टेटमेंट ऑफ एम, यहां इसके बाद आएगा स्टेटमेंट ऑफ एम, उद्देश्य कथन, सॉरी उद्देश्य कथन की घोषणा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे घटक का प्रयोग होगा तब हम कहेंगे नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एसिड एंड बेस, आज हम लोग अम्ल और क्षार के अंतर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा शाब्दिक और अशाब्दिक व्यवहार और क्रियाओं के बाद जो समाप्त पे अंतिम कड़ी पे जाके हम रुकेंगे, कहां पे, उद्देश्य कथन, ध्यान दीजिएगा मैंने कहा वहां पे रुकेंगे
उद्देश्य कथन की घोषणा करना।